प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास पर खासा फोकस किया है और यही कारण है कि ग्रामीण गौरव पथ सरीखी योजनाओं ने प्रदेश के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल दी है और ग्रामीण गौरव पथ बन गए हैं असली गौरव। ये देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की साफ नियत और मजबूत इरादे प्रदेश की तस्वीर बदल रहे हैं। कभी खस्ताहाल सड़कों के लिए जाने जाने वाले राजस्थान में आज बेहतरीन सड़कों का जाल बिछा दिखाई देता है। सड़कों को विकास का पहिया कहा जाता है और विकास की दौड़ में गांव पीछे नहीं छूट जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में एक महती योजना का आगाज किया। सीएम राजे का मानना है कि जब तक सड़क नहीं बनेगी गांव का विकास नहीं हो सकता, इसलिए सीएम राजे ने ग्रामीण गौरव पथ योजना शुरू की। ग्रामीण गौरव पथ योजना के तहत सभी 9894 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नाली के साथ साथ आधे से लेकर 5 किलोमीटर तक सीमेंट और कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण गौरव पथों के निर्माण से गाँव वासियों का स्कूल, अस्पताल, मंदिर, चौपाल, खेत, पास के गाँव, कस्बों में आना जाना आसान हो गया है और गाँव में जिंदगी हो गयी है और आसान। हमारे गांव में पहले ग्रामीण गौरव पथ नहीं थी तो रास्ता संकड़ा था और कीचड़ भी बहुत हुआ करता था और कीचड़ भी था गांव में यहां पे अतिक्रमण हो रहा था। अब जो ग्रामीण ये बनी है गौरव पथ, इससे हमारे गांव में फायदा हुआ है कि यहां पे कीचड़ नहीं हो रहा है, गांव का सौंदर्यीकरण हुआ है। वहीं राज्य के दूर दराज के गाँव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के लिए सीएम राजे ने चार वर्षों में विभिन्न योजनाओं में 22,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई की सड़कों का निर्माण करवाया। इन सब प्रयासों में 5,500 से ज्यादा गांव और ढाणियों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। इनके अलावा 6,000 से अधिक नई सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की इस पहल ने प्रदेश के गाँव की तस्वीर और तकदीर बदल दी है और आज ग्रामीण गौरव पथ कही जाने वाली ये सड़कें आज असल मायनों में गाँव का गौरव बन गयी है।